हाँ जी, स्क्रीन दिख रही है सबको? तो मैं क्या कह रहा था स्टूडेंट्स, मैं ये कह रहा था आपको कि आपने क्या करना था, आपने एक तो ये सारे डिफरेंट टाइप्स के कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, इनके बारे में मार्केट में जाके सर्वे करना है, स्टडी करनी है, वहां से जितना मटेरियल आप इकट्ठा कर सकते हो आपने कर लेना है। जैसे उसके अंदर कोई कैटलॉग्स हो गए, कोई फोटोज वगैरह होगी, कोई और उनके पास इश्तेहार हो गया, कोई पैम्फलेट्स हो गए, वो भी आप उसकी फोटोज अगर नहीं देते तो उनकी फोटोज खींच के आप ले सकते हो, उनसे बात कर सकते हो कि हमने रिपोर्ट बनानी है। उनका कोई कार्ड वगैरह, कार्ड, चलो कार्ड भी, एक आधी दुकान का कार्ड भी ले सकते हो, कार्ड, समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो, हाँ जी सर, एक आधी दुकान का आप कार्ड भी ले सकते हो। और जब आप उसकी रिपोर्ट बनाओगे, रिपोर्ट के लिए आपको बेसिक थ्योरी पता होनी चाहिए, तो आपने रिपोर्ट को थोड़ा, रिपोर्ट को आपने डिफाइन करना होता है अच्छी तरह से, तो उसके अंदर आप पहले थोड़ी थ्योरी लिखोगे, फिर जो मार्केट में अवेलेबल है उसके बारे में लिखोगे, उनके फोटोज लगाओगे, उनकी पिक्स लगाओगे, तो उस तरीके से आप डिटेल में इसकी रिपोर्ट बनाओगे, समझ गए, समझ गए। हाँ जी, अब सिलेबस में एक और चीज लिखी है कि ये जो हमने ऊपर मटेरियल लिखे हैं सारे, इन मटेरियल की कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनानी है, मतलब कंपैरिजन बनाना है। कंपैरिजन जो सा हमने करना है वो किस बेसिस पे करना है, उसकी कॉस्ट के ऊपर, उसके ब्रांड के हिसाब से और उसके साइज के हिसाब से, समझते हो बात को कैसे। जैसे देखो, ये मैंने एक बनाया था, ऐसे ही आप कर लेना चाहे कंपैरिजन। सपोज कर लो कंस्ट्रक्शन मटेरियल सीमेंट है, समझ रहे हो, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन मटेरियल दिख रहा सबको, ये पहला हाँ जी, हाँ जी, क्या लिखा है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ठीक है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिए सपोज कर लो सीमेंट, सीमेंट जो सा है हमारा 43, अब यहाँ पे आप लिखोगे सीमेंट, समझ गए। उसके बाद आ गया नेक्स्ट स्पेसिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन मतलब उसकी डिटेल, मतलब उसकी क्वालिटी, मतलब उसमें क्या आ जाता है। अब सीमेंट में आप क्या लिखोगे, जैसे सपोज कर लो पीपीसी है, तो आप लिखोगे पीपीसी, पोजोलाना पोर्टलैंड सीमेंट, समझ गए। उसके बाद कितना, 50 kg बैग, एक सीमेंट का बैग कितने बराबर होता है वेट में, 50 किलो, 50 kg। 50 kg बैग। उसके बाद उसके साथ क्या लिखोगे, 43 ग्रेड सीमेंट, समझ गए। अब नेक्स्ट खाने में, अब डिफरेंट ब्रांड, जैसे श्री का सीमेंट, श्री का सीमेंट आता है, एसीसी का सीमेंट, फिर एसीसी का सीमेंट, फिर उसके बाद और कामधेनु सीमेंट, कामधेनु सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, इसी तरीके से। अब अल्ट्राटेक सीमेंट की, अब यहाँ पे यूनिट ऑफ पेमेंट, मतलब जैसे सपोज कर लो दुकानदार आपको कहता है सीमेंट की एक बोरी 350 रुपए की है, समझ गए, तो 350 रुपए की क्या है, एक बोरी है, तो यूनिट ऑफ पेमेंट में क्या आएगा, पर बैग, समझ गए, उसको बैग बोलते हैं ना इंग्लिश में, तो हाँ जी, हाँ जी, उसे बोलेंगे यहाँ पे हम पर बैग कितना, 350 रुपए। अगर एसीसी का बोलता है 345 रुपए पर बैग, यूनिट ऑफ पेमेंट, कॉस्ट 345 रुपए। ऐसे ही सपोज कोई और ब्रांड का है, उसकी भी 50 किलो की बोरी होती है एक, तो यहाँ यूनिट, यूनिट का मतलब होता है कि जो आपको दाम बताया जा रहा है वो किसका दाम है, एक बोरी का है, तो यूनिट ऑफ पेमेंट यहाँ पे लिखोगे पर बैग, तो उसके आगे उसकी कॉस्ट, समझ गए, ठीक है सर। इस तरीके से। अब एक चीज याद रखना, अगर आप 43 ग्रेड लिख रहे हो तो 43 ग्रेड के ही सारे ब्रांड होने चाहिए, ये नहीं कि उसके अंदर आपने श्री अल्ट्रा 43 ग्रेड का रेट लिख दिया और उसका अल्ट्राटेक का आपने 53 ग्रेड का लिख दिया, वो तो दाम हमेशा फर्क आया ना, कंपैरिजन होना ही नहीं। सेम क्वालिटी, सेम स्पेसिफिकेशन, सेम साइज, तो पेमेंट भी जोन सी है सेम यूनिट में, जैसे एक बोरी का है तो एक बोरी का ही, 50 किलो की बोरी के ही सबके होने चाहिए, तो वहां पे आपने कॉस्ट लिखनी है, तभी है ना। अगर आप कोई और स्पेसिफिकेशन ले लोगे, जैसे सपोज कर लो ब्रिक्स, अब नेक्स्ट आ गया ब्रिक्स, ब्रिक्स में स्पेसिफिकेशन आपने लिखनी है ए क्लास ब्रिक, तो अगर सपोज कर लो दो तीन तरह की ब्रिक्स आ रही है, कोई भट्टा बीबी भट्टा है, कोई ए बी भट्टा है, एक्स वाई भट्टा है, ठीक है, तो यूनिट ऑफ पेमेंट, अब यहाँ पे ए क्लास ब्रिक की ही सारे भट्टों की कॉस्ट लिखनी है, ये नहीं कि बीच में आप बी क्लास ब्रिक के किसी की कॉस्ट लिख दी, सी की लिख दी, नहीं, ए क्लास में सारी ए क्लास की कॉस्ट की कंपेरिजन होगा। अब ब्रिक्स कैसे मिलती है, 1000 नंबर ईटे, तो लिखेंगे यहाँ पे पर 1000 ब्रिक्स, तो सपोज कर लो एक भट्टे से ईट आ रही है 5000 रुपये पर 1000 ब्रिक्स, एक से आ रही है 4800 रुपये, एक से आ रही है 4900 रुपये, तो आपने यहाँ पे कॉस्ट लिख देनी है, समझ गए। हाँ जी सर, ऐसे ही आपकी कोई और सैंड आ गई, सैंड में क्वालिटी कोई नहीं आती, बस लिख देना, कोई दुकान पे चल जाना वो बोल देगा पठानकोट की रेती होती ज्यादा, तो पठानकोट, यहाँ पठानकोट, यहाँ ये एग्रीगेट्स में भी पठानकोट का एग्रीगेट होता है, तो लिख देना यहाँ पे स्पेसिफिकेशन पठानकोट एग्रीगेट, साइज ज्यादातर 20 mm होता है। हम डिस्कस करेंगे, ये नहीं कि आप अभी इसको, हम हौली हौली करेंगे इस एक्सपेरिमेंट को, जैसे जैसे आपको प्रॉब्लम आती जाएगी आप उसे डिस्कस कर ही जाना रिपोर्ट बनाने के लिए। तो यहाँ पे ब्रांड तो कोई होता नहीं है, पठानकोट ही लिख देना, पठानकोट मेड। यहाँ पे पेमेंट, अब पेमेंट जो होती है, अब देखो ये
जैसे वो बोलते हैं, वो बोलते हैं 28 रुपए, 29 रुपए, 32 रुपए फुट के हिसाब से बोलते हैं, वो एक्चुअली में क्या होता है, सीएफटी होता है, पर सीएफटी क्यूबिक फीट होता है। तो यहाँ पे पेमेंट आपने लिखनी है पर सीएफटी, कॉस्ट या कॉस्ट लिखनी है, समझिए। ठीक है सर, इस तरीके से आपने करना है ये। अगर आप किसी बिल्डिंग मटेरियल की दुकान पे चले जाए ना, देखो अगर आप एक, अगर मैं आपको बताता हूँ सिंपल तरीका, आप बिल्डिंग मटेरियल की दुकान पे चल जाओ जहाँ पे लिखा होता है ना बाहर के, यहाँ पर इमारत की ईंटें, सीमेंट, रेत, बजरी सब मिलती है, लिखा ही होता है, बिल्डिंग मटेरियल की दुकान होती है। वहां से आपको ब्रेक का पता लग जाना है, सीमेंट का पता लग जाना है, सैंड पता लग जाना है, एग्रीगेट भी पता लग जाना है, ठीक है। उसके बाद आप सरिया देखने के लिए आप नकोदर चौक जा सकते हो, बहुत दुकानें हैं सरिये की, समझिए। नकोदर चौक से अपने बी आर अम्बेडकर चौक, सारा सरिया ही भरा हुआ है, वाटर प्रूफिंग भरा हुआ है, सैनिटरी भरा हुआ है, पेंट भरा हुआ है, ठीक है। ठीक है सर, सारी दुकानें वहां पे आपको, बहुत दुकानें हैं, बहुत ज्यादा, स्टील की होगी, वाटर प्रूफ की होगी, सैनिटरी की होगी, हार्डवेयर की होगी, आरे भी हैं बीच में, और उसके बाद टिम्बर भी हो सकता है, पेंट की भी वहां मिल जाएंगी आप, ठीक है। और टाइल्स, टाइल्स भी वही है, सैनिटरी की बहुत दुकानें हैं, जिस सैनिटरी की दुकान पे आपको टाइल्स भी उधर मिल जाएंगी। नकोदर चौक पे आपको मैक्सिमम सामान मिल सकता है, नकोदर चौक से बी आर अम्बेडकर चौक तक बहुत दुकानें हैं, सारी मटेरियल की दुकानें हैं ज्यादातर, ठीक है। हाँ जी सर, तो इस तरीके से आपने हर मटेरियल का स्पेसिफिकेशन के हिसाब से कंपैरिजन बनाना है। धीरे धीरे हम करेंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अगले हफ्ते सारा कुछ कराओ, ये धीरे धीरे आप जाओ, काम बांट लो, एक बंदा वाटर प्रूफिंग की दुकान पे जाएगा, एक बंदा सीमेंट की दुकान पे जाएगा, एक बंदा स्टील की दुकान पे जाएगा, एक बंदा लकड़ी की दुकान पे जाएगा, वहां पे जाके पता करके लाएगा, फिर इकट्ठे मिलके रिपोर्ट बनाओ और कंपैरिजन बनाओ, जब दुकान पे जाओगे उसके बारे में पूछना, उसकी फोटो खींचना, उसकी पिक्स लेना, उसका कैटलॉग कोई इश्तेहार मिलता है ले लेना, दुकानदार का कार्ड ले लेना, और उसकी कॉस्ट जरूर पूछनी है, कॉस्ट से हमने कंपैरिजन बनाना है, और कितनी किस चीज की कॉस्ट है, यूनिट ऑफ पेमेंट, ब्रांड, स्पेसिफिकेशन सबकी सेम होनी चाहिए। तो आपने ध्यान से सोच समझ के ये चीज करनी है, समझे सर। ग्रुप में काम करना है कि पूरी क्लास ही? आपकी क्लास में सारे 2800 बच्चे हैं। अट्ठाईस बच्चों में से देख लो, 2-3 बच्चे सीमेंट के बारे में कर लेंगे, 2-3 बच्चे स्टील के बारे में कर लेंगे, 2-3 बच्चे पेंट के बारे में कर लेंगे, ठीक है सर। तो बाद में सारे जोड़ देना, कॉपी तो एक ही बननी है, रिपोर्ट फाइल, ठीक है मतलब पूरी क्लास की एक रिपोर्ट है? नहीं, पूरी क्लास ने मिलकर एक रिपोर्ट बनानी है, बाद में प्रिंट हम अलग अलग निकालेंगे सारे बच्चे। हाँ जी ठीक है ना, हाँ समझ रहे हो, ऐसे ही कुछ। अब मुझे बताओ, हाथ से लिखोगे टाइप करोगे? हाथ से सर। टाइप कर लो, हाथ से कहाँ लिखते सर, टाइपिंग में टाइम लगता है, तो जरूरी थोड़ी आपने टाइप करना सर। फिर कौन करेगा सर? काम बांटो, पहले सारा मटेरियल इकट्ठा कर लो, एक जना मटेरियल इकट्ठा कर ले सारा, एक कुछ थोड़ा थोड़ा टाइप करी जाओ, एक जना कुछ टाइप कर रहा है, एक जना कुछ टाइप कर रहा है, तो टाइप कर सकते हो आप। हाँ जी ठीक है फिर सर, जो जो मैं सर करेगा जिसके बारे में वो उसका टाइप कर दे। हाँ, ये पहले आपको काम बांटना पड़ेगा, ठीक है। दो मटेरियल किसी को दे दो, और उसकी दुकान पे जाके वो उसकी फोटो भी खींचेगा, कॉस्ट भी पूछेगा, उसके बारे में डाटा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके, फिर उसके बाद जौन सा है हम उसको रिपोर्ट में बनाएंगे, और उसके बाद लास्ट में उसकी टाइपिंग करेंगे, ठीक है सर। धीरे धीरे होगा, मैं ये नहीं कह रहा कल कराओ या अगले हफ्ते कराओ, ये काम थोड़ा स्लो स्लो होगा, पहले आप अगर आप बांट सकते हो तो आप बांट लो, किसने कौन सा मटेरियल के लिए इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी है, नहीं बांटा जाता तो फिर मुझे कहना, मैं बांट दूंगा आप रोल नंबर वाइज, ठीक है। ठीक है सर, पहले मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि काम तो आपने करना है, अगर आप कर सकते हो अपने एंड पे करो, नहीं तो फिर मैं तो फिर जबरदस्ती आपको मुझे बनवानी पड़ेगी रिपोर्ट आपसे ही, ठीक है। ओके सर, तो किसी ने को पूछना है इसके बारे में तो पूछ सकता है।